नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि क्या कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 का जो रजिस्ट्रेशन है उसका डेट जो है आगे बढ़ गया है। यानी कि जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है केबीसी 2022 का जो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है वो 9 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक चलने वाला है। लेकिन देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी हम अपने मोबाइल के सोनी लिव एप्लीकेशन पे हैं और यहाँ पे जो प्रतिदिन आप रजिस्टर वाले टैब को क्लिक करके और रात्रि 9 बजे जो सवाल पूछा जाता है वहाँ पे जो जवाब आप सबमिट करते हैं, और जैसे ही जवाब आप सबमिट करते हैं कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाता है जहाँ पे लिखा रहता है रजिस्टर करने के लिए धन्यवाद। यदि आप अगले दौर के लिए चुने जाते हैं तो केबीसी की टीम अगले 15 दिनों में आपसे संपर्क करेगी। इसके नीचे देखिए एक टाइटल लिखा हुआ है, केबीसी रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं केबीसी रजिस्ट्रेशन जो है 9 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, जबकि यहाँ पे पहले जो था 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक था। आखिर ये एक्सटेंशन क्यों किया गया है? क्या सच में केबीसी का रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 9 अप्रैल से लेकर अब 26 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, या फिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि सोनी लिव एप्लीकेशन के ही रूल और रेगुलेशन पे हम विजिट करते हैं जहाँ पे रूल और नियम इसका लिखा हुआ है। देखते हैं कि क्या वहाँ पर भी संशोधन किया गया है, क्या वहाँ पर भी डेट को जो है आगे बढ़ाया गया है। तो बैक करके देखिए, रूल और रेगुलेशन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी संशोधन नहीं है, यहाँ पे 9 अप्रैल से 16 अप्रैल ही खाका दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो यह टाइपिंग मिस्टेक है, केबीसी रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल से 26 अप्रैल तक तो ये 1 के जगह जो है 2 टाइप हो गया है, तो ये जो है 80% चांस है कि टाइपिंग मिस्टेक है। क्योंकि केबीसी का जो पीडीएफ फॉर्म है इस बार का जो रूल और रेगुलेशन में उसमें 2022 के जगह जो है 2021 ही टेक्स्ट किया गया है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे 80% जो चांस है वो टाइपिंग मिस्टेक होगा, या फिर हो सकता है डेट को जो है एक्सटेंशन किया गया होगा, यानी कि आगे बढ़ा दिया गया होगा। लेकिन अभी ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट इस पर नहीं किया गया है कि रजिस्ट्रेशन बढ़ने वाला है या फिर नहीं बढ़ने वाला है। काफ़ी सारे क्रिएटर्स आपको बता रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है इसका आगे बढ़ गया है जहाँ पे 9 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलने वाला है। तो एक तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इतना लंबा रजिस्ट्रेशन चलता ही नहीं है। 9 से 26 के बीच आप जोड़ सकते हैं कि 17 दिनों तक रजिस्ट्रेशन को चलाना यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये शायद मिस्टेक ही लग रहा है, टाइपिंग एरर कुछ होगा। तो 2-3 दिन में देखिए, अगर यहाँ पे बदलाव हो जाता है तो ठीक है, और अगर रियल में ये रजिस्ट्रेशन का डेट अगर आगे बढ़ाया जाता है तो ऑफिशियली सोनी टीवी के चैनल की तरफ से अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा जहाँ पे कंफर्म हम आपको करेंगे कि क्या इसका डेट बढ़ा या फिर नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन अभी के इस स्टेटमेंट को देखने के आधार पर यही लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोनी लिव एप्लीकेशन पर टाइपिंग एक मिस्टेक हो सकता है।